So students, and this is the continuation of the first lecture, that is the mass selection. In the mass selection, how we can do with the progeny test. So this is a mass selection in self-pollinated crops coupled with progeny test. So this method is more useful than mass selection method, pure mass selection method. It is commonly used for maintaining the purity of pure line varieties and to produce this basic or nucleus seeds. So, ek te assi application kitte sige, desi or local varieties the improvement, te dusri kadi sige, pure lines the improvement. Pure lines ki hundi hai gaya, pure lines te vich self pollinated crops jehdiyan hai gaya, ode vich jo homozygous plants jehda hai gaya, उस वरायटी तो जिहड़ी प्लांट्स हैगे दैट इज़ नोन एज द प्योर लाइन प्लांट्स. सो प्रोजनी टेस्ट आपां की करना, प्रोजनी एक स्टैप जिहड़ा हैगा बेसिकली मास सिलेक्शन च आपां ऐड करना हैगा. इस स्टैप दे नाल जिहड़ा हैगा प्योर लाइन्स जिहड़ी हैगियां उह की हो जांदियां हैगियां. प्योर लाइन च अगर कुछ चेंजेस आ चुकी हैं, चेंजेस किमें आदि है, तीन रीजन होंगे है. एक है कंटैमीनेशन, जिन्हों आप कहते कंटैमीनेशन आ गई है या वरायटी जी है वो चेंज हो गई है, वो तीन रीजन मेन है. नंबर वन है कि मैनुअल मिक्सिंग हो चुकी है, कोई और वरायटी का सीड जरा आके मिक्स हो गया. नंबर टू नैचुरल हाइब्रिडाइजेशन हो चुकी हैगी है. नैचुरल हाइब्रिडाइजेशन की होंगे कि बहुत सालों तक जड़िया दो वरायटीज़ है आपस बहुत साल वो ग्रो कर रही है, लेकिन एक टाइम पर्टिकुलर टाइम से की होंगे मिक्स हो जाते हैं, दैट इज़ द नैचुरल हाइब्रिडाइजेशन. और थर्ड रीजन हैगा कि कोई जेनेटिक वेरिएशंस हो गई या म्यूटेशन, बिकॉज दैट इज़ ऑलसो नेचुरल. सो एक नेचर च प्रोसैस चल रही है. तीन रीजन के नाल कोई भी वरायटी जी है वो की हो जाती है, वेरिएबल हो जाती हैगी, जो चेंजिज आ सकती है. तो असी प्रोजनी टेस्ट लगा के कि इस प्यूरीफाई करना, प्योर लाइन्स में फरदर कि प्यूरीफाई करना है. So in a variation of mass selection scheme, selected plants are harvested separately in the second year. मतलब असी first year दे विच दा सेम वही स्टैप किया mass selection की किया, फिनोटिपिकली सिमिलर जिहड़ियां सीगियां सिमिलर वरायटीज जिहड़ी उहदे सीड्स कलैक्ट किए, उन्होंने ग्रो किया. ग्रो करन तो बाद उन्हां चों असी 200 to 2000 प्लांट्स जिहड़े सीगे उन्हां नूं असी सिलैक्ट कर दिता. सिलैक्ट किया उहदे उदों असी अपने माइंड सिलैक्शन किस बेसिस ते कीती, एग्रोनॉमिक करैक्टरिस्टिक्स ते कीती विद सुपीरियर फिनोटाइप्स. ठीक है, सुपीरियर करैक्टरिस्टिक्स नूं माइंड देख के फिनोटिपिकली चैक करके असी उहनूं सिलैक्ट कर लिता. सिलैक्ट करन तो बाद असी हारवेस्ट सीड सैपरेटली फ्रॉम ई सिलैक्टड प्लांट. हर एक प्लांट के जोड़े सीड है उन्होंने असी अलग तो हारवेस्ट किया. सिलैक्टड प्लांट जोड़े है वो सीड्स में असी अलग तो हारवेस्ट किया. ठीक है, इतने असी उत्थे मास सिलैक्शन इस स्टैप सैकेंड स्टैप असी की किया, मिकसिंग कर लीती सी सीड्स में. मिक्स करने तो बाद अगली जनरे दुबारा खेतों बीज दिता सगा, प्रीलिम ट्रायल किया. इतने असी की करना, आई रिपीट, हारवेस्ट सीड सैपरेटली फ्रॉम ई सिलैक्टड प्लांट. राइट, दिस स्टैप इज डिफरेंट फ्रॉम द मास सिलैक्शन स्टैप. तो हर एक प्लांट जिहड़े सिलैक्टेड प्लांट दे असी सीड्स लै लेते, उस तो बाद असी की कीता हैगा इन द सैकेंड ईयर. सैकेंड ईयर च मेन चेंज की आई, इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीज आर ग्रोन एंड पुअर वीक एंड डिफेक्टिव प्रोजनीज आर रिजेक्टेड. ठीक है, सैकेंड दे विच असी कीता इन्हां सारिआं नूं. आ तुसीं देख रहे हो ए वालियां लाइनस जिहड़ियां हैगे, इहदा मतलब कि हर एक जिहड़ा सिलैक्टेड प्लांट हैगा उहदे सीड्स नूं असी की कीता सैकेंड ईयर दे विच सैपरेटली असी हारवेस्ट करना, कल्टीवेट किया सैपरेटली. असी जो इस कल्टीवेशन की तो उस तो बाद असी की करना है सैकेंड ईयर के ग्रो इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीस. ठीक है, ग्रो की इंडिविजुअल प्लांट प्रोजनीस आएंगे, रिजैक्ट इनफीरियर और सैग्रीगेटिंग प्रोजनीस. इनफीरियर और सैग्रीगेटिंग प्रोजनी असी की किया, जो पुअर है, वीक है या डिफेक्टिव है उन्होंने असी ख़त्म कर दिता. प्रोजनीज फ्रॉम हिट्रोजीनस प्लांट्स आर ऑलसो डिसकार्डेड. इस लाइन में ध्यान, हिट्रोजीनस प्लांट्स आर ऑलसो डिसकार्डेड. सो वी आर नॉट इंटरस्टड इन द हिट्रोजीनस प्लांट्स, वी आर इंटरस्टड इन द होमोजाइगस प्लांट्स. वट आर होमोजाइगस प्लांट? होमोजाइगस प्लांट मीन्स कम टू द मेंडल्स लॉ, T कैपिटल इज द जीनोटाइप, इट डोनेट्स अ फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स टॉल. And T capital t donated again the hybrid characteristics, but phenotypically it is also tall. Clear? लेकिन
हिट्रोजाइगस प्लांट्स जोड़े है असी उन्होंने डिस्कार्ड करना, बट हाउ यू विल केम टू नो, वी केम टू नो दैट दिस प्लांट इज़ हिट्रोजाइगस और होमोजाइगस बाय दिस मैथड ओनली या दिस प्रोजनी टैसट ओनली। प्रोजनी टैसट लगा के अगर तो साडा जो भी असी सीड ग्रो किए हैं वो 3:1 ratio आ रहे है, 3:1 ratio लॉ ऑफ डोमीनेंस मैंडल के थ्री क्या है, थ्री है टॉल प्लांट्स। टॉल प्लांट्स मीनस टू आर हाइब्रिड, वन इज़ प्योर टॉल एंड वन इज़ प्योर ड्वार्फ। अगर तीन टॉल है फिनोटिपिकली सानू तीनों टॉल दिखेंगे, तीन टॉल है गया, एक वो ड्वार्फ उग गया है तो दैट मीनस दैट इज़ दैट वरायटी इज़ हिट्रोजाइगस। सो दैट वरायटी वी हैव टू रिमूव, सो दिस वरायटी वी हैव टू रिमूव फ्रॉम द दिस थिंग फ्रॉम दिस प्रोजनी जिहड़ी कि असीं लगा रहे हैं। ये असी सैगरीगेटिंग प्रोजनीज नू रिजैक्ट कर दिता, इनफीरियर प्रोजनी नू कीता रिजैक्ट कर दिता। हुण जिहड़े बल्क द सीड्स फ्रॉम द रिमेनिंग प्रोजनी, हुण बाकी प्रोजनीज जिहड़ियां हैगियां जिन्हां नू असीं सुपीरियर मानते हैं, जिन्हां नू असीं हाई होमोजाइगस लैके चले हैं, उन्हां नू असीं की कीता सिलैक्ट कर लिता। ठीक है, होमोजाइगस नू असीं सिलैक्ट कर दिता। होमोलाइस जाइगस मीनस कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक है, केयर शुड बी टेकन नॉट टू डिस्कार्ड मोर दैन 20-25% ऑफ प्रोजनी। ये नहीं कि असी 20-25% तो उपर सारियाँ डिस्कार्ड कर दीतियाँ, नहीं, सीड फ्रॉम रिमेनिंग प्रोजनी आर मिक्स टूगैदर टू मेकअप द न्यू वरायटी। उन्होंने मिक्स करके नवी वरायटी बनानी है। इन द थर्ड एंड फोर्थ ईयर वरायटी सबजैक्ट टू यील्ड ट्रायल्स इन डिफरेंट एनवायरमेंट्स। सो थर्ड ईयर आप उत्थे सैकेंड ईयर प्रीलिम यील्ड ट्रायल हो जाता है, इतने प्रीलिम यील्ड ट्रायल कितने चल गया, थर्ड ईयर चला गया। हूँ थर्ड ईयर जोड़ा हैगा वो असी प्रीलिम यील्ड ट्रायल किया। ठीक है, जेडे बल्क सीड से जो कट्ठे किए सीड्स तो स्टैंडर्ड चैक्स वर इनकलूडड, ये स्टैंडर्ड चैक भी लगाए। सुपीरियर द न्यू लाइन इज़ इनकलूडड इन द मल्टी लोकेशन यील्ड ट्रायल्स भी लगाए वो। तो फोर्थ टू सिक्स ईयर अगेन मल्टी लोकेशन कोआर्डीनेटड यील ट्रायल भी लगाए, जोड़ा असी मल्टी लोकेशन कोआर्डीनेटड यील ट्रायल किए, सेम उस तरह ही करने हैं जिमें असी मास सिलेक्शन किया है। इफ सुपीरियर टू द चैक वरायटी रिलीज्ड एज अ न्यू वरायटी, जे तो साड़ी चैक वरायटी नालों सुपीरियर है असी उन्हों न्यू वरायटी करके रिलीज़ करते। इतने हूँ एक साल बाद क्योंकि सैकेंड ईयर उत्थे प्रोजनी टैसट वास्ते असी लगा दिता, तो सैवंथ ईयर सेम है मल्टीप्लीकेशन करनी है फॉर द टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फार्मर्स। सो ये असी बेसिकली प्रोजनी टैसट कदली कर देंगे, प्रोजनी टैसट असी करते हैं कि कोई प्लांट होमोजाइगस है या हिट्रोजाइगस है, उस प्लांट्स की असी प्लांट ब्रीडिंग या उसकी रियल वैल्यू चैक करने वास्ते प्रोजनी टैसट लगाते हैं। या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जोड़ा प्रोजनी टैसट हैगा वो मास सिलेक्शन टैसट के नाल मिलके की स्पैशलिटी है। एक तो प्योर लाइनस जड़ियाँ है वरायटीज़ है उन्होंने प्योरिटी चैक मेनटेन करता है, तो दूसरा जोड़ा है बेसिक और न्यूकलियर सीड्स जोड़ा है प्रोड्यूस करता है। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन असी ये आंसर दे सकते हैं। सो स्टूडेंट आई होप यू विल केम टू नो द प्रोजनी टैसट। इफ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड फील फ्री टू कॉल मी अप और कमेंट ऑन गूगल क्लास वेयर यू डेली मार्किंग योर अटेंडेंस।